पुलिस कप्तान को मिली गुप्त सूचना के आधार पर देवघर पुलिस ने अंतरराज्य कोड़ा गैंग के 3 सदस्यों को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। जसीडी थाना के टावाघाट गांव में छापेमारी कर एक मकान से इन अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। वहीं पुलिस को देखते ही गैंग के अन्य सदस्य भागने में कामयाब रहे। ये अपराधी फर्जी पहचान पत्र के सहारे किराए के मकान में रहते थे। पुलिस ने मकान मालिक को भी गिरफ्तार किया है। वहीं गिरफ्तार अपराधी राजन के द्वारा लूटपाट, मोटरसाइकिल की डिक्की से रुपए उड़ाना, छिनते जैसे आपराधिक वारदातों को अंजाम दिया जाता रहा है। इन अपराधियों की विशेष नजर बैंक पर रहा करती थी, जहां से लोग पैसे निकाल कर जब भी लौटते या पैसे लेकर पहुंचते तो उनसे छिनतई कर ली जाती थी। छिनतई का काम करते हैं और उनके पूरे कंसेंट में ये चीज की जानकारी थी। हम लोग मीडिया के माध्यम से इस चीजों पर हम बलवती देंगे कि अगर कोई भी ऐसे टेनेंट जो इस तरह के एक्टिविटीज में सक्रिय है या कोई संदिग्ध पर्सन है, उनको अपना आवासन देने के संदर्भ में वो उनका जांच करें, या अगर कोई संदिग्ध पर्सन हो तो पुलिस को इसकी जानकारी दें। इससे क्या होता है, दो चीज़ें स्पष्ट हो जाती है कि एक तो लॉ ऑर्डर की स्थिति अच्छी रहती है, साथ ही जो इस तरह की घटनाएं होते हैं, जो भोले भाले जनता जो हमारे हैं इस तरह विक्टिम हो जाते हैं, उससे हम लोग इस पर रोकथाम कर पाएंगे। आज हम लोग ने विधिवत इस दो लोगों को गिरफ्तार किया है और लोग माननीय न्यायालय को हम लोग प्रेषित कर रहे हैं। इनके द्वारा देवघर जिले में विभिन्न स्थानों पर पिछले कुछ दिनों में छिनतई की घटना कारित की गई है, तथा देवघर के अलावा जामताड़ा तथा अन्य जिलों में भी इनके कन्फेशन में इस बात की पुष्टि भी है कि इन्होंने घटना को कारित किया। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार .in के साथ।